फरीदकोट च पैंदे गुरुद्वारा जन्म स्थान श्री गुरु अंगद देव जी सराय नागा विखे पंथ दा मान सरदार सिमरनजीत सिंह मान अते बंदी सिंघां दी रिहाई लई भुख हड़ताल ते बैठे बापू सूर सिंह खालसा दी सेहतयाबी लई श्री अखंड पाठ साहिब जी दे भोग पाए गए। अज आपां उस कौम दे महान जरनैल कौम ते पोड़िया घट गंडियां दा दर्द लैके लड़न वाले सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान जिन्हां ने कौम दी चढ़दी कला दे लई कौम दे अंक दे लई डीएल जी दा अहुदा छड्ड के पंज साल भागलपुर की जेल च रह के अपने नौ खचा के दाड़ी का बाल बाल कटा के पूरे परिवार को जोखम के विच पा के उन्हें डोल लिया है। जो सारी गल थी मान सिंह मान जी भी उन्होंने कोले सी उन्होंने फोन पर मेरे ना गल थी कुछ जिहड़ी बीमारी सी उह कवर हो गई है। इस करके तुसीं तन्नो आपां सेवा दे अरदासां बहुत होणियां कल तरन तारण अरदास होई है पिंडां दे विच अरदास हो रही है। परसों बड़ियाल बड़ियाल साहब अपना राइयां वाला साहब असीं गए सी मानसाले ने रखिया होया सी कल लुधियाने कहिण तों पहिलां मैं दसदा ही नहीं आओ मोहरा किसी ने किसे नूं कहे नहीं एड्डियां वड्डियां अरदासां हो रहियां। इस मौके अकाली दल अमृतसर मुक्तसर अते फरीदकोट वालों पंथ दी आवाज बन के उभरे। रोजाना पहरेदार दे मुख संपादक सरदार जसपाल सिंह हेरा नूं पंथे रतन अवार्ड नाल सन्मानित किया गया। इस मौके बोलदिया सरदार जसपाल सिंह हेरा ने कहा है कि अज दी मुख लोड़ ऊड़े ते जुड़े दी रखवाली करना है। प्रोफेसर गुरिंदर पाल सिंह कुल्लर उन्हों कानून दी अदालत विच खड़ा किया गया उहदे विरुद्ध इस देश दी पुलिस ने 121 चशम दी गवाह खड़े कीते 121 गवाहां दी लिस्ट है जिहड़ी उह अदालत नूं दित्ती गई परंतु उन्हां 121 गवाहां दे विचों किसे एक भी गवाह ने उहदी शनाख्त नहीं कीती कि मैं इस व्यक्ति नूं जाणदा इह दविंदर पाल सिंह कुल्लर है कि जिहड़ा साडे ते हमला कीता जा रिहा कि ऊड़े ते जुड़े दे खात्मे लई जिहड़ी पहली गल आ साडी ऊड़ा जिहड़ा गुरु अंगद साहिब महाराज ने गुरमुखी लिपि विच दित्ता सी साडे तों ऊड़ा खोहण दा जतन कीता जा रिहा इस मौके बापू सूर सिंह खालसा दे संघर्ष दा साथ दिंदिया इलाके दीआं संगतां वल्लों सरदार जसपाल सिंह हेरा नूं प्राण पत्र भी सौंपे गए। लुधियाणा तों पहरेदार ब्यूरो।